दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि योनो SBI एप्लीकेशन से RD अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, यानी कि RD में कैसे पैसे जमा किया जाता है। उसके लिए आपको ब्याज दिया जाता है समय के अनुसार से। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, अगर आपको इमरजेंसी पड़ गया, पैसे निकालना चाहते हैं, RD अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, तो किस तरह से क्लोज किया जाता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप जब चाहे तब RD अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं या नहीं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। RD अकाउंट को ओपन करने के लिए योनो एप्लीकेशन के होम पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद अकाउंट के नीचे में डिपॉजिट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फिक्स डिपॉजिट है, इसके बगल में रिकरिंग डिपॉजिट है, यानी कि RD डिपॉजिट। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट पर वीडियो देखना चाहते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने पूरा डिटेल में बताया है। तो यहाँ पर आज हम सीख रहे हैं RD अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। तो यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट न्यू रिकरिंग डिपॉजिट, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम 5000 का RD बना रहे हैं। तो यहाँ पे मिनिमम 100 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे 5000 का RD बना रहे हैं, उसके बाद ये अकाउंट से मेरा पैसा कटेगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो कितने साल के लिए हम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 10 साल के लिए आप बना सकते हैं, लेकिन हम 1 साल के लिए बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 0 मंथ दे देंगे। अगर आप 1 साल 6 महीना 5 महीना के लिए बनाना चाहते हैं, तो इनमें से मंथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरे 1 साल के लिए बनाना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल है मंथली ट्रांसफ़र, तो यानी कि आपके खाते से किस डेट में पैसा कटेगा। तो यहाँ पे हम 10 तारीख को यहाँ पे दे देते हैं। देखिए RD अकाउंट पे क्या होता है, जैसे कि मैंने 5000 से डिपॉजिट शुरू किया, तो वह मेरे खाते से जो है 5000 कट के RD अकाउंट में आ जाएगा। ये हर एक मंथ कटता रहेगा, जिस मंथ को आपने डेट सेलेक्ट किया है, तो हर एक मंथ आपका जो 5000 कटता रहेगा और RD अकाउंट में जमा होते रहेगा। उसके साथ ब्याज आपको मिलेगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगले साल के लिए आप जमा करना चाहते हैं, वो साल पूरा हो जाएगा, तो सारा जो आपका पैसा ब्याज सहित आपने जो 5000 रुपया पर मंथ जमा किया है, वो सहित आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। और आप RD अकाउंट जो है कम से कम 100 रुपया से, यानी कि मिनिमम 100 रुपया से शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी तारीख दे सकते हो। ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखना चाहते हैं, व्यू इंटरेस्ट रेट पे आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे 1 साल का कितना है, 2 साल का कितना है, और 3 साल का कितना है, और 5 साल का कितना है, तो 5% के लगभग में सभी आपको यहाँ पे दिखेंगे। इसको हम बैक कर देते हैं, और बैक करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपका सारा डिटेल आ जाएगा, नाम आ जाएगा, और यहाँ पे आप मंथली 5000 रुपया RD में जमा करते हैं हर एक मंथ। उसके बाद मैच्योरिटी जो डेट होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका इस अकाउंट से पैसा कटेगा। उसके बाद टेन्योर 1 मंथ के लिए, यानी कि 1 साल के लिए आप RD में हर एक महीना 5000 रुपया आप जमा करते रहेंगे। उसके बाद मैच्योरिटी डेट आप देख सकते हैं, 15 अगस्त 2023 को होने वाला है आज, जो कि 15 अगस्त है। इसी दिन मैं ये RD ओपन कर रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हैं, 5.45% के हिसाब से हमको मिलेगा पर एनम पर साल। उसके बाद मैच्योरिटी डेट होते होते तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 61,792 रुपया हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करने के बाद आपके सामने में देखिए यहाँ पे आपका कंग्रेचुलेशन, आपका RD जो है क्रिएट हो चुका है, ओपन हो चुका है। उसके बाद ओके वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। और RD देखने के लिए फिर से आप क्या करेंगे, वही प्रोसेस है, डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे RD यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका 5000 का RD बन चुका है। आपको मान चलिए किसी कारणवश पैसा निकालना पड़ जाए RD में, यानी कि RD आप रखना नहीं चाहते हैं, RD से क्लोज करके आप अपने खाते में पैसा लेना चाहते हैं, तो किस तरह से लेंगे, कोई विपत्ति आ गया है तो कैसे करेंगे, तो इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि 5000 का RD बना हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा आपको डिटेल आ जाएगा। अगर आज ओपन करके आज ही क्लोज कर रहे हैं, तो कोई भी आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। अगर 15-20 दिन के बाद करते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट 0.0 दिखा रहा है। उसके बाद आप क्लोज करना चाहते हैं, तो क्लोज रिकरिंग डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद चलिए क्लोज रिकरिंग डिपॉजिट पे हम क्लिक कर देते हैं। आर यू श्योर वांट टू क्लोज, यस, आपसे पूछना चाहते हैं क्या आप श्योर हैं RD को क्लोज करने के लिए, तो ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे हम ओटीपी दे चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। और ऐसा करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है आरडी 5000 का जो है वो क्लोज हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम आपको स्टेटमेंट दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 अगस्त को ये आरडी पर मंथ ये 5000 रुपया जमा होना था आरडी में, यानी कि पैसा भी खाते में आ चुका है। तो इस तरह से आप आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं योनो एसबीआई। तो दोस्तों आपने देखा आरडी अकाउंट को कैसे योनो एसबीआई के माध्यम से ओपन किया जाता है और कैसे तुरंत क्लोज भी किया जाता है। अगर आपका पैसा की जरूरत पड़ जाता है तो अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो आप तुरंत ही क्लोज कर सकते हैं, वो पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो कभी भी किसी समय आप आरडी अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। और इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी एक और नए शानदार वीडियो में।